हैदर भाई आप यहाँ क्यों आए? सदफ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मिनहल करो ना। हैदर भाई आप क्या करते हैं? मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। मेरे सामने से हट जाओ तुम। हैदर भाई प्लीज, अगर आप मुझे अपनी बहन समझते हैं तो मेरी बात माने। प्लीज मेरे साथ चलो। हैदर भाई तमाशा खड़ा हो जाएगा। प्लीज हैदर भाई, प्लीज प्लीज मेरी बात माने। प्लीज हैदर भाई प्लीज। तुम मुझे मिनहल का बताओ, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया गया था? कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया मिनहल को। वो बिल्कुल ठीक थी, इत्मीनान से अपने कमरे में थी। जानती थी कि तलाल भाई आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तलाल भाई आए भी और उसके साथ खड़े रहे। आप प्लीज बैठिए। साथ खड़े होने के बावजूद भी तलाल पर से भरोसा कमजोर हो रहा है मेरा। सदफ वो कुछ नहीं कर सकता सदफ मिनहल के लिए। अपनी बिगड़ी हुई बहन को तो आज तक कंट्रोल कर नहीं पाया वो, और मुझे पूरा भरोसा है हर बार पहले से ज्यादा बेइज्जती करती होगी वो मिनहल की। करती होगी, लेकिन आप तलाल भाई की सिचुएशन को भी तो अंडरस्टैंड करें। एक तरफ उनकी बीवी है तो दूसरी तरफ बहन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बीवी को बहन के आगे जलने मरने के लिए छोड़ देगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ तलाल भाई को कि इससे पहले पानी सर से ऊपर जाए वो मिनहल को उस अजाब से बाहर निकाल लेंगे। कब सदफ, कब? आज तलाल भाई ने मुझे अपने घर में देखा तो वो समझ गए कि उनके घर के हालात मुझसे छुपे हुए नहीं है। मैं और आसिम मिलकर तलाल भाई को समझाएंगे, और मुझे पता है कि वो नहीं समझेगा। जो आदमी आज तक नहीं समझा वो अब क्या समझेगा सदफ, बताओ मुझे। अब मैं खुद जाकर अपने तरीके से समझाऊंगा उसे। क्या खुद समझाएंगे? किस हक से समझाएंगे आप? क्या कहेंगे आप? क्या आप मिनहल को चाहते थे या चाहते हैं? और आपको क्या लगता है वो अपनी बीवी के बारे में इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेंगे? आज जो आप उनके दरवाजे तक गए ना, ये भी आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी छोटी सी गलती मिनहल की आबाद जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। हैदर भाई आप जोश से नहीं होश से काम लीजिए। आप मिनहल से हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अब आपका मिनहल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा कि आप उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करें। मिनहल भी ऐसा नहीं चाहेगी। इसलिए हैदर भाई खुदा के लिए आप मेरी बात को समझिए। आप मुझ पे भरोसा करें, मैं खुद शाम को मिनहल के पास जाऊंगी। अगर मुझे उसके घर में कुछ भी गड़बड़ लगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तलाल भाई से खुद बात करूंगी इस बार। मगर प्लीज प्लीज आप कुछ मत कीजिएगा। जी मैं हूं मायूस सईद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लंदन नहीं जाऊंगा, कि सारी म्यूज़िक वीडियोस या म्यूज़िक अपडेट्स या न्यूज़ के लिए आप AR बाय डिजिटल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।